तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा कि ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर सस्पेंडेड बाय एन इलास्टिक थ्रेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन परफॉर्म्स टॉर्सिनल ऑसिलेशंस इन ए लिक्विड। एक डिस्क यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ पर ऐसे डिस्क मान सकते हैं यहाँ पे आप, और इस तरह का डिस्क दिया हुआ है ऐसे, ऐसे डिस्क है हमारा। और ये डिस्क जो है एक इलास्टिक थ्रेड से इस तरह से एक इलास्टिक थ्रेड से जो है बंधा हुआ है। इलास्टिक थ्रेड का मतलब है कि अगर इसका सेप साइज ज्योमेट्री अगर चेंज हुआ, तो अगर फोर्स लगा रहे हैं, अगर इसका सेप साइज ज्योमेट्री अगर चेंज हुआ तो फोर्स हटाने के बाद जो है ये सेप साइज ज्योमेट्री फिर से क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो वायर होते हैं, ठीक है, इस तरह के वायर को हम लोग नाम देते हैं टॉर्सिनल वायर। ठीक है, टॉर्सिनल वायर, इस तरह के वायर का नाम देते हैं हम लोग। इसके बारे में जो है मैसेज में बढ़िया तरीके से पढ़ा चुके हैं। तो ये डिस्क जो है, ये डिस्क का मास एम दिया है, रेडियस आर दिया है, ठीक है, और थ्रेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो जो प्लेन है वो कहाँ पड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्क एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ा हुआ है। द मोमेंट ऑफ इलास्टिक फोर्सेस इन इमर्जिंग इन द थ्रेड इज इक्वल टू एन इक्वल टू ए फाई। देखिए यहाँ पर ये जो, जैसे मान लीजिए कि एक वायर है ऐसे, और इस वायर को अगर हम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ट्विस्ट करते हैं, से मोड़ते हैं, लेट्स उसके फाई एंगल मोड़ते हैं, तो इसके अंदर से एक रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट होता है। दिस टॉर्क इज इक्वल टू सी इंटू फाई, सी इंटू फाई मतलब इस सी को बोलते हैं लोग टॉर्सिनल कॉन्स्टेंट। तो उसी तरह यहाँ पर ये जो हमारा डिस्क है, इस डिस्क को एक लिक्विड के अंदर रखा गया है, ठीक है, एक लिक्विड के अंदर इसको रखा गया है। जैसे इसको एक लिक्विड के अंदर ऐसे डाल देते हैं, ऐसे एक लिक्विड के अंदर रखा गया है, ठीक है, ऐसे। अभी लिक्विड जो है विस्कस लिक्विड है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जैसे ही हम इस डिस्क को इसे रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे फाई, अगर मान लीजिए एंगल ऐसे ओमेगा, थोड़ा सा अगर मान लेते हैं फाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से फाई ऐसे ट्विस्ट करते हैं, तो इस तरह से इस डायरेक्शन में इस वायर पे टॉर्क लगता है। इस वायर पे टॉर्क लगना या इस डिस्क पे टॉर्क लगना एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये जो वायर है, थ्रेड है, वो डिस्क के साथ अटैच्ड में है। तो इस वायर पे जो टॉर्क लगता है, थ्रेड पे जो टॉर्क लगता है, दैट इज एन इज इक्वल टू अल्फा इंटू फाई। वही बात है, यहाँ पे टॉर्क को एन लिख दिया है और सी की जगह पे अल्फा लिख दिया है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई है ही। कितना हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किए हैं, इस तरह से एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगता है। साथ ही साथ इस वायर पे तो लगेगा ही टॉर्क, साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम पे एक और टॉर्क आएगा लिक्विड के अंदर जो डिस्क पड़ा हुआ है उस पे, ठीक है, और विस्कोसिटी का फोर्स आएगा और उसका एक टॉर्क आएगा। तो वो टॉर्क जो है हम थोड़ा निकालना चाहते हैं, उसके बाद जो है सवाल पढ़ते हैं कि फाई इज़ द एंगल इज रोटेशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से फाई क्या किए हैं, रोटेट किए हैं। द रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू एफ वन इक्वल टू एन इंटू बी नीटा इंटू भी। नीटा जो है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, वेयर नीटा इज कॉन्स्टेंट एंड भी इज द वेलोसिटी ऑफ द गिवन एलिमेंट ऑफ द डिस्क रिलेटिव टू द लिक्विड। भी जो है वेलोसिटी है लिक्विड के रिस्पेक्ट में। तो सवाल है कि फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन, छोटे से हम अगर इसको ऑसिलेट करेंगे, अगर फाई बहुत छोटा होगा तो हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, कर देंगे। पहले सबसे पहले हम इसको जो है इस डिस्क पे टॉर्क देखना चाहते हैं कैसा लगेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हम टॉप व्यू से देखें, अगर हम ऊपर से इसको देखें इस तरह से आँख से, तो ये जो डिस्क है वो हमको कुछ इस तरह से नज़र आएगा ऐसे, ठीक है, एक मिनट, ऐसे नज़र आएगा डिस्क, इस तरह से नज़र आएगा ऊपर से देखेंगे तो। अब ये जो डिस्क है उस तरह से मटेरियल से भरा हुआ है,
ऊपर भी लिक्विड है, नीचे भी लिक्विड है, हर तरफ से लिक्विड है। अब हम यहाँ पे टॉर्क निकालेंगे तो यहाँ पे टॉर्क जो है हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा, ठीक है, हर पॉइंट पे सेम नहीं होगा। और अगर हर पॉइंट पे टॉर्क सेम नहीं होगा तो टॉर्क निकालेंगे कैसे? टॉर्क निकालने के लिए जो है हम इसको इंटीग्रेशन मेथड करेंगे यूज। हम क्या करेंगे कि छोटा सा यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर जाएंगे, अब एक छोटा सा ऐसे कट लगाएंगे, ऐसे एक एलिमेंटल स्ट्रिप कट करेंगे, ऐसे छोटा सा ऐसे। एक कट करने से काम नहीं बनेगा, एक और कट लगाएंगे छोटा सा ऐसे, ये जो छोटा सा कट किए हैं एक्स डिस्टेंस दूर जाकर डी एक्स थिकनेस का, इसके एरिया छोटा सा होगा डी ए, थिकनेस कितना है ऑफ कोर्स इसका डी एक्स है, तो इसका छोटा सा एरिया होगा कितना डी ए। क्या इसका एरिया लिख सकते हैं एलिमेंटल एरिया? बिल्कुल लिख सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू 2πr इंटू थिकनेस, इसका सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस, थिकनेस है कितना डी एक्स, 2πx इंटू डी एक्स, यह है मेरे पास इसका स्मॉल एलिमेंटल एरिया। अब इस छोटे से एरिया पे कितना टॉर्क लगेगा ये हम निकालना चाहते हैं इस वाले डिस्क पे, तो इस पे डिस्क पे टॉर्क किधर लगेगा? तो इसकी वेलोसिटी जो है यहाँ पर है ऐसे, कितना है v बराबर ओमेगा इंटू एक्स, यहाँ पे लेट्स इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है फाई हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई, ओमेगा इंटू एक्स। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी इधर होगी, दिस विल बी ओमेगा इंटू एक्स। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी इधर होगी, दिस विल बी ओमेगा इंटू एक्स। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगी, दिस विल बी ओमेगा इंटू एक्स। तो टॉर्क जो है, फोर्स जो है लिक्विड के अंदर, विस्कस लिक्विड होता है, तो फोर्स जो है हमेशा वो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगती है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है डिस्क की रिलेटिव वेलोसिटी लिक्विड के रिस्पेक्ट में किधर है? ऊपर, तो फोर्स लगेगा इसके अपोजिट, फोर्स नीचे की तरफ एफ बी, ठीक है एफ बी। यहाँ पे ऊपर फोर्स लगेगा इस पे एफ बी, इस पे फोर्स लगेगा इधर पे एफ बी, तो इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ एफ बी, हमेशा उल्टा लगता है। तो इसका मतलब है कि जो टॉर्क आएगा वो इस तरह से आएगा, दिस विल बी रीस्टोरिंग टॉर्क, रजिस्टर टॉर्क, ऐसे लिख सकते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क या रजिस्टर टॉर्क जो लिक्विड लगा रहा है, दिस इज अप्लाइड बाय लिक्विड। छोटा सा टॉर्क अगर हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं छोटे से एरिया डी ए पर, तो हम छोटा सा एरिया पे छोटा सा टॉर्क होगा डी टाउ बराबर क्या होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, तो डी टाउ बराबर एफ, एफ है हमारा कितना, दिस विल बी क्या था ये हमारा, ये हमारा टॉर्क था कितना एन इंटू वी जो रेजिस्टेंस पे लग रहा था, और हाँ वो यूनिट एरिया पे लग रहा था, यूनिट एरिया पे। यहाँ पे पढ़िएगा कि द रेजिस्टेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मैंने यूनिट एरिया वन यूनिट, वन मिलीमीटर स्क्वायर या वन मीटर स्क्वायर या जो भी, वन सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वन सेंटीमीटर स्क्वायर या वन मीटर स्क्वायर जो भी है, वन पे ही जो है फोर्स लग रहा है उतना। तो अगर मान लेते हैं कि वन यूनिट एरिया स्क्वायर पे फोर्स लग रहा है कितना एफ वन, दिस विल बी नीटा इंटू भी, तो हमको तो इस वाले एरिया पे चाहिए डी ए एरिया पे, तो डी ए एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, तो एफ वन डी ए एरिया पे फोर्स लगेगा हमारा नीटा इंटू भी इंटू डी ए, और दिस इज द फोर्स एफ बी। तो यहाँ पर एफ बी की जगह पे लिखने वाले हैं एफ बी की जगह पे विस्कोसिटी फोर्स इक्वल टू नीटा भी इंटू डी ए, डी टाउ बराबर नीटा भी की जगह पे ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी ए, डी ए की जगह पे टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, और आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर यहाँ से कितना है एक्स है, यहाँ पे लिखना भूल गए थे एक्स वाला इंटू एक्स, तो यहाँ पे छोटा सा टॉर्क आ जाएगा मेरे पास कितना एन नीटा 2πनीटा ओमेगा एक्स एक्स अब एक्स तीन को है एक्स क्यू इंटू कितना डी एक्स, इतना आ गया मेरे पास टॉर्क। कौन सा टॉर्क? विस्कोसिटी का टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क आ गया इस डिस्क पे, और पूरा सिस्टम में थ्रेड भी है, और थ्रेड पे भी एक टॉर्क लग रहा था, तो उसको हम एक डिस्क का हिस्सा मान सकते हैं। तो नेट टॉर्क जो है अगर हमको निकालना है इस पूरे डिस्क पे, तो हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे डी टाउ को, तो नेट टॉर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन 2πη
ओमेगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेके आर तक, पहला कट यहाँ पर लगाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और करते 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 लास्ट कट यहाँ पर लगाएंगे, जो यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है, आर, ठीक है, आर डिस्टेंस दूर है। तो हम यहाँ से जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेट करेंगे, तो नेट टॉर्क आ जाएगा मेरे पास 2 पाई नीटा ओमेगा आर के पावर 4/4, 2 से 2 बार में, तो नेट टॉर्क आ गया कितना, नेट टॉर्क आ गया पाई नीटा ओमेगा आर के पावर 4/2, नेट टॉर्क आ गया। लेकिन कौन सा साइड, ये जो नेट टॉर्क आया है वो ऊपर भी लिक्विड है नीचे भी लिक्विड है, सिर्फ ऊपर वाला पे ही निकाले हैं हम, नीचे वाला पे भी निकालना पड़ेगा। तो अगर नेट टॉर्क बिल्कुल पूरी तरह लिखना है, टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क, ये नेट टॉर्क जो है ऑन अपर सरफेस, नीचे भी तो लिक्विड है, नीचे वाला भी टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क, टोटल टॉर्क ऑन एक्टिंग ऑन, एक्टिंग ऑन द डिस्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला टॉर्क, तो 2 इंटू पाई इंटू नीटा ओमेगा आर के पावर 4/2, 2 से 2 कैंसिल, और टोटल टॉर्क आ गया मेरे पास कितना, दिस विल बी कम्स अप टू बी नीटा पाई ओमेगा आर के पावर 4, ये आ गया। ये डिस्क पे टॉर्क लग रहा है इधर की तरफ। अब एक बात बताइए कि अगर हम, अगर फिर से उस डायग्राम को थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करें, तो ये हमारा डायग्राम था ऐसे, इससे एक थ्रेड लगा हुआ था, अभी थ्रेड जो है एक इस तरह से डिस्क के साथ जुड़ा हुआ था ऐसे, तो इस, इसको हम ओमेगा रोटेट किए थे, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई दिए थे, तो उस केस में एक टॉर्क आया था ए वाला, जिसको हम लोग नाम दिए थे एन इक्वल टू अल्फा इंटू फाई, और सवाल में दिया हुआ था, और एक डिस्क पे एक रिस्टोरिंग टॉर्क आया इधर की तरफ, दिस विल बी टाउ बराबर कितना, नीटा पाई ओमेगा आर का पावर 4। तो ए वाला और ए वाला जो है वो क्या करेगा, ये नेट टॉर्क है हमारा, नेट रिस्टोरिंग टॉर्क कितना लिखेगा, नेट रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर ऐसे लिखेगा अल्फा फाई प्लस एन पाई ओमेगा आर का पावर 4, और ए जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो बताओ ओमेगा को बढ़ाएगा घटाएगा, ऑफ कोर्स ओमेगा को घटाएगा क्योंकि ओमेगा के अपोजिट है, तो दिस टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो आई इंटू अल्फा के लिखिएगा माइनस डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा लगातार टाइम के साथ घटाएगा, तो अल्फा इंटू फाई प्लस एन पाई ओमेगा आर का पावर 4 बराबर आई इंटू माइनस डी ओमेगा, वॉट इज ओमेगा, ओमेगा इज डी टू फाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, इस टर्म को इधर लाइए, तो डी टू फाई अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस आई से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, तो एन पाई ओमेगा आर का पावर 4 अपॉन आई प्लस अल्फा फाई बाई आई बराबर 0, तो डी टू फाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस एन पाई आर का पावर 4 बाई आई की जगह पे एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा बाई एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू फाई बराबर 0, तो इंटू ओमेगा छूट गया है, ओमेगा की जगह पे यहाँ पे लिखने वाले हैं ऐसे डी फाई बाई डी टी, तो दिस इज ओमेगा इज डी फाई बाई डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज करने की रेट ही है, तो डी टू फाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 नीटा पाई आर का पावर 4 बाई एम आर स्क्वायर इंटू डी फाई बाई डी टी प्लस 2 अल्फा बाई एम आर स्क्वायर इंटू फाई बराबर 0, ये आ गया मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसके सॉल्यूशन जो है पहले से ही हम जानते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन क्या था हम पहले ही आपको बता देते हैं कि अगर इस तरह का एक, याद कीजिए इक्वेशन आपको हम पहले पढ़ाते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक इस तरह का एक स्प्रिंग था और एक एम मास का ऑब्जेक्ट था, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के था, और अगर हम इस एम मास के ऑब्जेक्ट को अगर हम एक्स डिस्प्लेस करते हैं ऐसे, एम मास के ऑब्जेक्ट को एक्स डिस्प्लेस करते हैं, तो इधर की तरफ जो है एक फोर्स लगता है के एक्स, साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है तो एक फोर्स और लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स, और यही तो इसकी डैम्पिंग का कारण था, रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है,
और ई नेट फोर्स इधर की तरफ है, के एक्स प्लस एफ आर दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बताओ एक्सेलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी? ऑफकोर्स टाइम के साथ वेलोसिटी घटेगा। तो मान लेते हैं कि इसको एक्स डिस्प्लेस किए हैं ऐसे, तो वेलोसिटी की जगह पे लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह पे लिखेंगे माइनस डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिखें? क्योंकि ये नेट फोर्स लगातार घट रहा है, नेट एक्सेलरेशन लगातार घटेगा। तो बताइए यहाँ पे इसको इस टर्म को इधर लाएंगे तो एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स प्लस एफ आर। एफ आर की जगह पे आप पहले से ही जानते हैं कि दिस एफ आर इक्वल टू माइनस बी इंटू भी, माइनस बी इंटू भी, या डायरेक्शन हम दिखाई दिए हैं तो आप बी इंटू भी लिख सकते हैं, बी इंटू भी वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो बी इंटू भी बराबर जीरो। तो यहाँ से आप डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स प्लस बी बाई एम इंटू भी बराबर जीरो। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम इंटू भी की जगह पे डी बी बाई डी एक्स बाई डी टी प्लस बी बाई एम इंटू एक्स के सॉरी के बाई एम था वो के बाई एम यहाँ पे के था के बाई एम इंटू एक्स बराबर कितना जीरो। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन बताते हैं एक्स बराबर एक्स नॉट, एक्स बराबर ए नोट ई का पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम कॉस ओमेगा डैश टी प्लस हाई, जहाँ ओमेगा को हम लोग ओमेगा डैश इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे, ठीक है। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये थी। तो इसके बारे में हम पहले से ही पढ़ा चुके हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आता था जनरल इक्वेशन इसको सॉल्व करने के बाद वो आता था, इस तरह का इक्वेशन रहता था। तो कुछ इस तरह का ही यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम कंपेयरिंग करें तो क्या था हमारा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू डी बी बाई सॉरी के बाई एम इंटू एक्स बराबर जीरो। तो कुछ इस तरह का ही दिख रहा है हमको। दिस टर्म इज़ कॉल्ड बी बाई एम इज़ कॉल्ड टू बीटा और दिस टर्म इज़ कॉल्ड ओमेगा नॉट। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम जो ओमेगा नॉट का स्क्वायर बोलते हैं इंटू एक्स बराबर जीरो लिख रहे हैं। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन था हमारा पीछे वाला। तो यहाँ पर टू बीटा के जगह पर ए लिखा हुआ है और ओमेगा नॉट के स्क्वायर के जगह पर ए लिखा हुआ है, टू अल्फा बाई हमारा स्क्वायर। तो अगर हम चाहते हैं कि उसका इक्वेशन सॉल्यूशन निकालें तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, क्या होता है ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं बी बाई टू एम का होल स्क्वायर, या ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये होता है। तो ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया मेरे पास टू अल्फा बाई एम आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा कितना है यहाँ पे, बीटा कितना है यहाँ पे, बीटा है हमारा ए टू, नहीं 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 उसको बीटा से टू से डिवाइड कीजिएगा तो खाली टू आएगा। तो यहाँ पे हमारा बीटा है एन पाई आर का पावर फोर बाई एम आर स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ठीक है बीटा स्क्वायर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा मेरे पास टू अल्फा बाई एम आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर नीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर आर का पावर चार दूनी आठ बाई एम स्क्वायर आर का पावर फोर, ठीक है। यहाँ पे आर के पावर फोर से कट जाएगा ये वाला और ये वाला टर्म, और ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट टू अल्फा बाई एम आर स्क्वायर माइनस नीटा स्क्वायर पाई स्क्वायर आर का पावर फोर बाई एम स्क्वायर, दिस विल बी आंसर। तो ये था हमारा सवाल जिसमें हम लोग एक ही सवाल में सब कुछ पूछ लिए, बढ़िया सवाल था टॉर्क का। चलिए ऑल द बेस्ट।